एक क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप लोग, ये गेट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, और देखिए 2 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आप थ्योरी रिकॉल करिए जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, उसे कंपेयर करिए। तो यहाँ पे कंपेयर करने पर आपके पास क्या होगा, ए इक्वल टू एक्स होगा, बी इक्वल टू 2x² होगा एंड सी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये देखिए यू एक्स है, यू वाई वाई नहीं है, तो मेनली हमें एबीसी चाहिए था। अब यहां से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² और ये सी 0 है तो माइनस 0, दैट इज हो जाएगा आपका 4x². ओके, नेक्स्ट आपको करेक्टरिस्टिक रूट निकालना है, तो करेक्टरिस्टिक रूट क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्लियर। अब ये अंदर वाला तो पूरा 4x² है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बी क्या था 2x² प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट दैट इज 4x² अपॉन में 2x, ओके, दैट इज ये बन जाएगा आपका माइनस 2x² प्लस माइनस 2x अपॉन में 2x। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये 2x² हो जाएगा, ए पावर 4 है, ओके, ये बी स्क्वायर था ना, ए पावर 4 होगा आपका, ओके, तो यहां से आपका इतना बन गया। तो अब देखिए इसको सिंपलीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस 4x² बाई 2x होगा, और जब प्लस वाला लेंगे तो उसके इसमें 0 होगा, दैट इज हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 2x, 0, क्लियर। अब दोनों रूट्स निकालिए, तो हमारे पास मान लीजिए कि लेमडा 1 इक्वल टू 0 है और लेमडा इक्वल टू माइनस 2x है, तो मैंने क्या बताया था, करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगा, dy बाई dx प्लस लेमडा वन का वैल्यू 0 ले लीजिए, इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन क्या होगा, dy बाई dx माइनस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उस साइड सिंप्लीफाई करके ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ओके, उसी तरह यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x² प्लस c, ठीक है, c2, ओके, तो यहां से c1 निकाल लीजिए तो c1 हो गया आपका y, एंड यहां से c2 निकाल लीजिए तो आपका c2 क्या हो जाएगा, y माइनस x², तो ये दोनों हो गए, इसी को हम लोग बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर रहा है कि x² माइनस y, ओके, हमारा देखिए एक चीज और आप रिकॉल करिए, पीछे के वीडियो मैंने जो डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपका c करेक्टरिस्टिक कर्व है तो माइनस c भी करेक्टरिस्टिक कर्व होगा, ठीक है, दैट इज अगर आपका k भी करेक्टरिस्टिक कर्व है तो माइनस टाइम्स k भी करेक्टरिस्टिक कर्व होगा, ओके, तो यहां से देखिए पहला ऑप्शन में आइए, पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है, x² - y, तो x² - y देखिए इसका माइनस टाइम्स हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट कर रहा है y, हाँ ये भी y, तो पहला ऑप्शन हमारा 2, नेक्स्ट क्या कर रहा है x² + y, हमारा तो माइनस में आया था, ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन खत्म, इसमें भी प्लस कर रहा है, ये भी खत्म, लास्ट में कर रहा है x² - y, ठीक है, और यहाँ पे बोला x², तो हमारा x² नहीं आया था ना, हमारा तो y आया था, ये आपका लास्ट ऑप्शन भी खत्म। तो इस वे में आपको कैलकुलेशन करना है जब कभी भी आपको करेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पूछा जाए तो। आई होप ये थ्योरी आपके लिए क्लियर रहा होगा, ओके, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि किस टाइप से हम लोग करेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट कर रहे हैं। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए आपके गेट में, तो आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, ओके, थैंक यू।